फिजा, तुम माजी को भूल नहीं सकती हो। आप भुला सकते हैं। मैं भूल चुका हूं, इसीलिए तो अपना रहा हूं तुम्हें। वो तो आप घर की इज्जत बचाने के लिए अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। चलो मान लेते हैं, अगर ऐसा है भी तो इससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? तो टूटे हुए दिल जो मिल रहे हैं। कभी अगर तुम इसी तरह सोचती रहोगी ना तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि रिश्ता भी तो खुशी का नहीं है। लेकिन हाँ, हम खुश रहने की एक्टिंग जरूर कर सकते हैं। एक्टिंग? हमारी माओ को यकीन भी तो दिलाना है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। देखो फिजा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे ये साथ अच्छा लगने लगा। अब हम सारी जिंदगी अपनी पिछड़ी मोहब्बतों के गम में तो नहीं गुजार सकते ना? आप एक मर्द हैं ना, आपके लिए शायद ये बहुत आसान होगा। मैं हैरान हूं जिस मोहब्बत को खोने के डर से आपका इतना बुरा हाल हो गया था, उसे आप इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? मोहब्बत भुलाई नहीं जाती फिजा, मोहब्बत अगर अधूरी रह भी जाए तो दिल के किसी ना किसी कोने में मौजूद जरूर रहती है। यानी हमें यह अधूरी मोहब्बतें अपने दिल के कोने में ही रख के गुजारनी होगी। हाँ ठीक है, वैसे भी तो जिंदगी गुजारनी है, ऐसे गुजार लेंगे।